हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड होता है फॉर्मेट, आज उसी का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए txt नाम से एक बना लिया है हमने और उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है फॉर ओनली, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है और यहाँ पे 12 लिखा है। हमने रुपीज की बात करी है, अब इसको चलाएंगे और यहाँ पे 49 रुपए की बात हो रही है। 49 रुपया ठीक नहीं है, 99 कर देते हैं। तो यहाँ पे 99 भी हमने कर दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और सीधा सीधा यहाँ पर किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं। .py बस लगा होना चाहिए, यही है। ठीक है, अब ये सेव कर दिया, अब रन कराने की बारी है। तो रन कराने पे आएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर F5 करता हूँ और जैसे ही ये रन होता है तो फॉर ओनली 99 रुपीज ये लिख करके आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं। तो ये जो प्राइस है, आपको एफ स्ट्रिंग मैंने पढ़ाया था, तो ये यहाँ पर उसके हिसाब से हो रहा है। और ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट का काम क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट क्या काम कर रहा है ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 2F भी लिखा हुआ है। तो 2F का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 डेसिमल ही ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाता हूं तो आप देखेंगे कि ये 2 डेसिमल ही सपोर्ट कर रहा है। यहाँ देखिए 99.00 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3F कर देता हूँ तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, अगर 3F भी मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डेसिमल वाली बात आ गई। और इसके साथ साथ फॉर्मेट फंक्शन भी हमने लगाया है जो कि आपको दिख ही रहा है। ठीक है, और आउटपुट से आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि फॉर्मेट फंक्शन क्या कार्य कर रहा है। तो फॉर्मेट फंक्शन यहाँ पे फॉर ओनली और यहाँ पे रुपीज और फिर जो भी प्राइस है वो उसके साथ ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देने का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसको रन कराता हूं तो ये फॉर ओनली 99 रुपीज लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये काम है फॉर्मेट फंक्शन का, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ आ ही रहा है, 99 हमने लिखा ही है, फॉर ओनली लिखा ही है, इसके साथ साथ जो भी आप प्राइस मतलब डाल रहे हैं उसी को ये प्रिंट करके दे रहा है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ठीक है,